लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। अभी तक तो जैसा देखने को मिल रहा है तो ऐसा ही लग रहा है, और नहीं तो कौन ऐसा विभाग काम कर रहा है जो कि 83 दिन में एक लेटर नहीं दे रहा। 84 दिन आप सड़क पे बैठे हुए हैं सर, सड़क पे बैठ के आप लोगों का बात नहीं सुन रहा सरकार, आगे क्या कीजिएगा? 1.25 लाख वार्ड सचिव आपके पीछे है। ठाकने और ठगने का परिणाम तो हम लोग दे रखे हैं। आज 83 दिन से वार्ड सचिव लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं 83 दिन। यह मैराथन आंदोलन है, इससे पहले हमें नहीं लगता है कि कोई गर्दनी बाग में 83 दिन का आंदोलन होगा। इससे पहले भी वार्ड सचिव आंदोलन कर चुके हैं, यह नया आंदोलन नहीं। आइए इन्हीं से पूछते हैं, ये बताइए आप लोग 83 दिन से बैठे हुए हैं, क्या कुछ हो रहा है? कुछ सरकार में सुगबुगाहट हो रहा है, आपका कुछ होगा? देखिए, सुनने को तो मिल रहा है कि सुगबुगाहट हो रहा है, लेकिन देखने को कुछ नहीं मिल रहा। जब तक देखने को नहीं मिलेगा तो सुनने से हम लोगों को विश्वास नहीं होगा। ये 4 साल से सुनते सुनते कान दिमाग दोनों पक गया है। 4 साल से सुनते सुनते कान और दिमाग दोनों पक गया है, इसलिए आज हम 83 दिन से पूरे बिहार से वार्ड सचिव आकर के पटना में धरना स्थल पर गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, और तेजस्वी जी को उनके द्वारा किए गए दिए गए वादे को याद दिला रहे हैं। आज 83 दिन होने के बावजूद भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने वादे पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं। पिछले बार आंदोलन किए थे तेजस्वी यादव आते थे, यानी कि उसके जो भी विधायक होते थे वो आते थे, प्रवक्ता आते थे, लगातार आपको राजद का सपोर्ट मिल रहा था। अब जब राजद सत्ता में है तब फिर क्या किंतु परंतु हो रहा है? अभी भी राजद के विधायक आए हैं हमारे धरना में, भभुआ विधानसभा से भरत बिंद जी हमारे धरना प्रदर्शन में आए और आ करके कहे कि हमारे साहब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो वार्ड सचिव से वादा किए हैं उस वादे को पूरा करने के लिए अभी भी हम लोग तैयार हैं और उस पर कार्य चल रहा। लेकिन यह सिर्फ कहने सुनने का हो गया, एक राजनीतिक रोटी सेकने का एक रास्ता हो गया। क्या लग रहा है आप लोगों को, सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है? अभी तक तो जैसा देखने को मिल रहा है तो ऐसा ही लग रहा है, और नहीं तो कौन ऐसा विभाग काम कर रहा है जो कि 83 दिन में एक लेटर नहीं निरस्त कर। हम लोग तो धरना दे रहे हैं सिर्फ लेटर निरस्त के लिए कि जो वो तो लेटर निरस्त हो जाएगा फिर तो आप लोगों का ऑटोमेटिक है कि बहाली हो गया। वो तो फिर सरकार के ऊपर है, ऑटोमेटिक बहाली करेगा कि जैसे कि हम लोग को ज्ञापन हम लोग को बजावते रिज्वाइन करेगा, वो तो सरकार के ऊपर है। हम लोगों का तो धरना प्रदर्शन है, वो तो पंचायती राज विभाग द्वारा जो वार्ड सचिव को हटाने संबंधित पत्र जारी हुआ था 13/12/2021 को, जिसका पत्रांक संख्या 72/19 है, उसी को निरस्त करवाने के लिए आज 83 दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और यही चीज हम लोग बार बार ये बिहार सरकार से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों का जो निकालने का पत्र जारी हुआ था 72/19 लेटर को आप निरस्त कर दीजिए, हम लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन अभी तक नहीं सुना। बताइए मोनू जी, आप प्रदेश उपाध्यक्ष है, आप इस आंदोलन को किस तरह देख, नहीं लग रहा है कि नेता आप लोगों को ठक रहे हैं? 84 दिन नहीं होता है कि 84 दिन आप सड़क पे बैठे हुए हैं सर, सड़क पे बैठ के आप लोगों का बात नहीं सुन रहा सरकार, आगे क्या कीजिएगा? 1.25 लाख वार्ड सचिव आपके पीछे है। ठकने और ठगने का परिणाम तो हम लोग दे रखे हैं। 27/12/2021 को ठगने का परिणाम दे रखे हैं। जिस तरह से 2021 में 13 दिन लगातार गर्दनी बाग में हम लोग बैठे और उस समय के पंचायती राज विभाग हम लोग के मांग पर संज्ञान नहीं लिया, तो हम लोग बिहार के 1,14,691 में से 95,000 बीरचंद पटेल पद बीजेपी कार्यालय पहुंच गए। फिर हम लोग पहुंचेंगे विधानसभा, पहुंचेंगे विधानसभा का घेराव कीजिएगा, इसमें कोई शक लग रहा? इसमें आपको कोई शक लग रहा? 1,14,691 है, यदि 1,14,691 का मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगा तो मरता क्या नहीं करता है। हम लोग ऑलरेडी हम लोगों को ये बिहार सरकार मारने पर उतारू हो चुका है, तो मरता क्या नहीं करता, विधानसभा जरूर पहुंचेंगे। तो उपाध्यक्ष मोनू जी थे हमारे साथ, इनका साफ तौर पे कहना है कि मरता क्या नहीं करता, मगर यह लोग अभी भी आशावादी हैं। इनका कहना है 84 दिन से आंदोलन है, यह अभी भी आशा में है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कहा था वह पूरा करेंगे। अगर पूरा नहीं होता है तो यह आंदोलन अलग रुख अपनाएगी, अलग तरीके से यह लोग आंदोलन करेंगे, विधानसभा का भी घेराव कर सकते हैं, सभी पार्टियों का कार्यालय का भी यह लोग घेराव कर सकते हैं। आज ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। लगातार आप देसी बिहार से जुड़े रहें इस तरह के तमाम अपडेट के लिए। धन्यवाद।